क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी को कभी न कभी अपने करियर में एक बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। ये इस खेल का एक कड़वा सच है। कुछ खिलाड़ी ऐसे समय को मात देकर आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका करियर ऐसे समय में आकर दम तोड़ देता है। लंबे बाल और लंबी कद काठी वाले एक ऐसे ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की बात आज हम करेंगे, जो कभी विश्व चैंपियन रहा है और जिसे शोहरत भी नसीब हुई, लेकिन उसका बुरा दौर उन पर कुछ इस तरह हावी हुआ कि आज वो चैंपियन कहीं खोसा गया। आज उसका चेहरा बहुत सोचने के बाद ही जहन में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की क्रिकेट श्रृंखला अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। हसमुख चेहरे वाले इस खिलाड़ी का नाम रुद्र प्रताप सिंह है, जिन्हें हम आरपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। आरपी सिंह भारत की उस टीम का हिस्सा बने जो मैच फिक्सिंग के सदमे से उभर रही थी। ये वो टीम थी जिसे सौरव गांगुली ने गांव और कस्बों की प्रतिभाओं को इकट्ठा करके बनाया था। भारतीय क्रिकेट का ये वो समय था जब भारत के पास युवराज सिंह, धोनी और सहवाग जैसे बल्लेबाज थे। साथ ही साथ ये टीम जहीर खान, आशीष नेहरा जैसे तेज गेंदबाजों से भी सजी हुई थी। आरपी के शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव प्रताप सिंह और माँ का नाम गिरिजा देवी है। आरपी सिंह के पिता भारतीय तकनीकी संस्थान में तकनीकी शाखा के ऑपरेटर पद पर कार्यरत थे। इनके पिता ने इनकी क्रिकेटर बनने की इच्छा को देखते हुए इनका दाखिला सन 2000 में लखनऊ की गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में करवा दिया। आरपी की दो बहनें भी हैं जिनका नाम आकांक्षा और दीपा है। आरपी जब लखनऊ हॉस्टल में थे तब उनके साथ वहां सुरेश रैना भी थे। इन दोनों दिग्गजों ने साथ में ही क्रिकेट की बारीकियां सीखी और साथ में ही भारतीय टीम के लिए खेला भी। आरपी सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट में डिग्री होल्डर भी रहे हैं। एक इत्तेफाक की बात यह रही कि आरपी से पहले भी सन 1986 में रुद्र प्रताप सिंह नाम के एक और खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके थे। वे भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे और उनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही रहा। इन्हें रुद्र प्रताप सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। आरपी सिंह ने अपने रणजी करियर की शुरुआत 2003 में 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। इसके बाद आरपी ने 2004 में बांग्लादेश में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलते हुए 24.75 की औसत से 8 विकेट लिए। आरपी के इस प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और इसी साल आरपी ने रणजी के 6 मैचों में सबसे ज्यादा 34 विकेट लिए। रणजी और अंडर 19 में अपनी धाक जमाने के बाद आरपी ने 4 सितंबर 2005 को अपना वनडे डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में किया, जहां इन्होंने 2 विकेट लिए। आरपी अपने वनडे डेब्यू का बहुत बड़ा कारण मदन लाल और पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच ग्रेग चैपल को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आरपी की काबिलियत को पहचाना और उन्हें इंडियन टीम के लिए खेलने का मौका दिया। आरपी ने इनके इस भरोसे को सही साबित करते हुए अपने तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ 35 रन देकर 4 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, इन्होंने अपने पहले 11 मैचों में 3 बार यह अवार्ड अपने नाम किया। आरपी सिंह की इसी धार को देखते हुए इन्हें 11 जनवरी 2006 को फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। फैसलाबाद वही मैदान है जहां भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव ने भी अपने करियर का आगाज किया था। आरपी ने वहां भी अपना जौहर दिखाते हुए 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। इस मैच में भी आरपी सिंह मैन ऑफ द मैच रहे। इसके बाद आरपी को 2006 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए श्रीसंत की जगह लेने का विचार चल रहा था, लेकिन उसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में इनके खराब प्रदर्शन ने इनसे यह मौका छीन लिया। आरपी टेस्ट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको जारी रखते हुए इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में लॉर्ड्स टेस्ट की एक पारी में 59 रन देकर 5 विकेट लिए और अपना नाम लॉर्ड्स ओनर बोर्ड पर दर्ज करवा लिया। यह एक ऐसा सम्मान है जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर में नसीब नहीं हुआ है। आरपी सिंह लॉर्ड्स मैदान पर किसी टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले भारत के 10वें गेंदबाज बने। उनके इस प्रदर्शन से भारतीय टीम 21 साल बाद इंग्लैंड की जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुई थी। इस प्रदर्शन के लिए इन्हें एक बार फिर मैन ऑफ द मैच चुना गया। फिर इनको 2007 टी20 विश्व कप के लिए भी चुना गया। आरपी ने अपना टी20 डेब्यू स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन में 13 सितंबर 2007 को किया। इस टूर्नामेंट में इन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए, जहां इनका वेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 रन देकर
4 विकेट रहा। इनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत की टीम यह वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुई। अफ्रीका के खिलाफ इनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आरपी को पहले क्रिक इन्फो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए कंट्रोवर्शियल टेस्ट मैच की हार के बाद पर्थ की जीत में आरपी सिंह ने अहम भूमिका निभाई। इस टेस्ट में आरपी ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ एक यादगार पार्टनरशिप की। भारत की ये जीत आज भी यादगार है। आरपी के पास बुरी से बुरी पिच पर बॉल को स्विंग कराने की खास काबिलियत थी। आरपी को इन स्विंग और बाउंसर गेंदबाजों में महारत हासिल थी, जिसके कारण आरपी सिंह का नाम जहीर खान, आशीष नेहरा और इरफान पठान के साथ टीम के मुख्य गेंदबाजों में शुमार किया जाने लगा। लेकिन इनका प्रदर्शन भारतीय पिचों पर उतना खास कभी नहीं रहा जितना कि विदेशी पिचों पर। आरपी ने अपने पूरे करियर में भारतीय जमीन पर केवल 2 टेस्ट मैच ही खेले। इन्होंने ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले, जिनके 53 ओवरों में भी उनको कोई विकेट नहीं मिला। यही कारण था कि आरपी को 2008 के बाद अधिकतर समय टीम से बाहर रहना पड़ा और यह बात उनके बुरे दौर की शुरुआती झलक थी। इसी साल आरपी सिंह एक विवाद का भी हिस्सा रहे, जो एक मीडिया रिपोर्ट के कारण शुरू हुआ था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड के खिलाफ भारत में होने वाले वनडे सीरीज के लिए इरफान पठान की जगह आरपी सिंह को लेना चाहते हैं। यह भारतीय टीम के नजरिए से बहुत बड़ी लीक खबर थी। इसी बीच 2009 के आईपीएल सीजन के 16 मैचों में आरपी ने सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए, जिसकी वजह से उनकी टीम डेक्कन चार्जर्स खिताब जीतने में सफल हुई। इस प्रदर्शन की बदौलत आरपी 2009 टी20 विश्व कप खेलते नजर आए। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी आरपी को 2009 के बाद कभी भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका नहीं मिला। आरपी ने अपना आखिरी टी20 मैच 16 जून 2009 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। आरपी को 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में जहीर खान की जगह बुलाया गया। लेकिन 3 साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने का प्रभाव आरपी पर साफ दिख रहा था। इस मैच में आरपी सिंह ने बहुत खराब गेंदबाजी की। इनके पहले ओवर में डाली गई 4 खराब गेंदों को देखकर इंग्लिश क्रिकेटर इयान बॉथम ने कहा था कि ये ओवर उनके लिए टेस्ट क्रिकेट का सबसे खराब ओवर है। इस आलोचना का नतीजा यह रहा कि ओवल में हुआ यह मैच इस गेंदबाज का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। और इसी साल 16 सितंबर 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ आरपी सिंह आखिरी बार भारतीय टीम की वनडे जर्सी में खेलते नजर आए। बात करें इनके आईपीएल करियर की, तो आरपी डेक्कन चार्जर्स, मुंबई इंडियंस, कोच्ची टस्कर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जैसी टीमों का हिस्सा रहे। आरपी ने कुल 82 आईपीएल मैच खेले, जिनमें उनके विकेट का आंकड़ा 90 रहा। लेकिन 2016 के बाद यह दरवाजा भी उनके लिए बंद हो गया। 2013 में इनका नाम आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी उछाला गया, लेकिन अंत में ये निर्दोष साबित हुए। 2017 में आरपी ने अपने शानदार लिस्ट एक करियर को भी अलविदा कह दिया, जहां इन्होंने 94 मैचों में 301 विकेट लिए, जिसमें 12 बार 5 विकेट शामिल है। इन्होंने अपना आखिरी लिस्ट ए मैच मुंबई के खिलाफ खेला। आरपी सिंह 2003 से 2015 तक उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से खेलते रहे और बाद में ये गुजरात की टीम का हिस्सा भी बने। आरपी जब गुजरात टीम में आए तो बुमराह भी उस टीम का हिस्सा थे। आरपी सिंह ने उन दिनों बुमराह को बहुत कुछ सिखाया। बुमराह भी अपने रणजी करियर की सफलता का श्रेय आरपी सिंह को ही देते हैं। आखिरकार 2018 में जब कोई उम्मीद नहीं रही, तो आरपी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय करियर को भी अलविदा कह दिया। आखिरकार एक विश्व चैंपियन का करियर एक इंतजार पर आकर खत्म हो गया। आरपी सिंह ने कुल 82 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें इन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 40 विकेट लिए। इनका बेस्ट 59 रन देकर 5 विकेट रहा। बात करें इनके वनडे करियर की, तो आरपी ने अपने 58 वनडे मैचों में 69 विकेट लिए, तो वहीं 10 टी20 मैचों में इनके विकेटों का आंकड़ा 15 रहा। इनके इस छोटे से करियर में कुछ ऐसे भी पल रहे जो आज भी भारतीय क्रिकेट के लिए किसी सपने से कम नहीं है, मगर ऐसे करियर का यूं खत्म हो जाना कहीं न कहीं क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक टीस जरूर छोड़ जाता है। आरपी सिंह ने कभी भी स्टारडम को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उनकी यही विशेषता उन्हें सबसे अलग और एक अच्छा इंसान बनाती है। अपने संन्यास के बाद स्पोर्ट्स तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2011 विश्व कप खेलना उनका सपना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीम से बाहर होने के बाद भी उन्हें टीम के साथ नेट प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। उन्हें सीधा रणजी के लिए भेज दिया जाता था, जिससे उनकी फिटनेस और बॉलिंग स्पीड पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो उनके करियर खत्म होने की सबसे बड़ी वजह बना। आरपी सिंह का करियर जहां एक और मौकों की तलाश में गुजरा, वहीं इनका करियर इंजरीज से भी भरा रहा। 2008 के बाद इनको कम मौके मिलने का एक कारण इनकी इंजरीज भी रही।
फिलहाल आरपी सिंह बीसीसीआई की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ हिंदी कमेंट्री भी करते हैं। आरपी सिंह की सदस्यता वाली एडवाइजरी कमेटी ने हाल ही में भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज सुनील जोशी को भारतीय क्रिकेट टीम के नए सिलेक्टर के रूप में चुना है। एडवाइजरी कमेटी टीम में आरपी के साथी सदस्य मदन लाल और सुलक्षणा नायक है। इनके निजी जिंदगी की बात करें तो आरपी सिंह की शादी देवांशी पोपट से 1 दिसंबर 2012 को हुई थी, जिससे इनकी एक बेटी है जिसका नाम है इरा आर्या सिंह। देवांशी भारत के मशहूर एडवोकेट मनोज पोपट की बेटी है। आरपी सिंह ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में अपनी एक क्रिकेट एकेडमी शुरू की है, जिसमें वो अंडर 14 के बच्चों को गेंदबाजी की टेक्निक सिखाते हैं। नारा टीवी की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।